हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल संतोष किचन। आइए आज देखते हैं किस तरीके से बचे हुए चावल को यूज़ करके हम कुछ नया बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे बचे हुए चावल लेंगे और उनको हम मिक्सर में डाल देंगे। मिक्सर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इन चावलों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके से चावल रहेंगे। अब हम बॉइल पोटैटो लेंगे और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। अब हमने जो राइस को ग्राइंड करके रखा था अब उसको हम एक थाली में लेंगे। आलू कद्दूकस करके रखा था अब उसको लेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई मिर्ची लेंगे। चिली फ्लेक्स लेंगे, आप चाहे तो लाल मिर्ची भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लेंगे। अब थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर लेंगे और इसे अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसमें अरारोट डालेंगे और एक चम्मच मैदा डालेंगे और मैश कर लेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छे से मैश करेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें रिफाइंड लेंगे और हम लोगों ने जो पूरा का पूरा मिक्सचर बनाया था उससे अब हम लोग कटलेट बनाएंगे। उससे अच्छे से शेप बनाएंगे और इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे लो फ्लेम में, जिससे कि हमारे जो कटलेट हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ और अच्छे से क्रिस्पी बने। ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसके साथ हमारे जो कटलेट हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।